छोटे शहर में एक यू नो छोटे छोटे शोज होते थे, एक पेजेंट हुआ था यूपी लेवल पे, एक पेजेंट हुआ था मिस ब्यूटी क्वीन 2002. सो दैट्स हाउ आई जस्ट पार्टिसिपेटेड, ऐसे ऑफर आया तो आई जस्ट पार्टिसिपेटेड एंड देन आई वन दैट. तो यू नो एक वो वहाँ से शुरू हुआ एंड लोग बोलते थे कि देखने में अच्छी हो एंड यू मस्ट, बट नो छोटे शहर से थे तो इतना सपोर्ट नहीं मिल सकता था, ऐसा सोच नहीं सकते थे कभी बॉम्बे जाएंगे, कभी ये सब कर सकते हैं. I have done BSc with biotechnology, then I have done my MBA. I belong to a very small city, Banaras. So, वो गलियों में खेलना, वो स्कूल जाना, वो दो छुट्टियाँ करके बहुत ही सिंपल चाइल्डहुड बीता है मेरा. फैमिली में मेरे बहुत बड़ी तो नहीं है, मेरी एक सिस्टर है, एक भाई है, भाभी हैं, दो छोटी छोटी भतीजियाँ हैं एंड मम्मी हैं. I started with modeling, stage shows, then साउथ इंडस्ट्री, तेलुगू, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम एंड देन फाइनली टीवी इंडस्ट्री. और एक्टिंग मेरे अंदर बचपन से ही थोड़ी नौटंकी वाली रही, सो वो अंदर थी, बस वो निकल आई बाहर. अगर मैं आज यहाँ पे हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय इमीडिएट फैमिली. माय डैड वाज माय बिगेस्ट सपोर्ट, उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे आई हूँ. लाइक मैं थोड़ी सी जो यू नो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, वो लोग वहाँ के हिसाब से वो लोग पसंद नहीं करते लड़कियाँ बाहर जाएँ, स्पेशली इन दिस फील्ड. उस समय उनका जो मेंटल यू नो स्टेटस रहता है. बट देन माई इमीडिएट फैमिली, माई मॉम, माई डैड, माई फैमिली सपोर्टेड मी सो मच. मेरे डैड खुद मुझे लेके बॉम्बे आए थे. व्हेन आई केम टू बॉम्बे ही वॉज विथ मी. वो लाइक नहीं, आई विल स्टॉप माई वर्क इफ़ यू वॉन्ट टू डू दैट, आई एम विथ यू. तो उनके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता था. सी अगर आपको आपके काम के लिए कभी भी अप्रिसिएशन मिलता है, इफ़ यू गेट सो मच ऑफ लव फ्रॉम क्रिटिक्स एंड मीडिया, सो यू ऑलवेज फील सो गुड. और इतनी मेहनत करके हम कोई काम करते हैं, एक फिल्म बनाने में, एक कैरेक्टर को प्ले करने में, उसमें घुसने में, उसमें जाने में. आई नली रही था, आई प्लेड जेनिफर. इट वॉज नॉट दैट ईजी एंड वॉज माई फर्स्ट कन्नड़ा फिल्म, बट आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट एंड थैंक्स टू देम यू नो. अगर फनी से ज़्यादा मुझे ये चीज़ें ज़्यादा इंस्पायर करती है यू नो, व्हेन दे से कि यू आर माई रोल मॉडल और आई वॉन्ट टू बी लाइक यू. आप अपने आप को कैसे मेंटेन करते हो, या आप एक्ट यू नो आप कैरेक्टर में कैसे, आप जो रोशनी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, कैसे आप ऐसी हरियाणवी बोल रहे हो. तो फैंस आर द गॉड्स एक्चुअली. इट हैज़ नॉट बीन वेरी इजी, ट्रस्ट मी, बिकॉज जब आपकी फैमिली में यू नो लोग होते हैं बॉर्न विद सिल्वर स्पून, जिनके स्टार किड्स होते हैं, या उनकी फैमिली में कोई ना कोई रहता है जो इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है. लाइक मी, अगर लाइक मी, कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करने के बाद बहुत मुश्किल होती है. एंड मुझे पता है कि मैंने हर वो सीढ़ियाँ नो अच्छे से क्रॉस की है. मैंने बहुत छोटे कामों से शुरू किया. आई थिंक यू शुड आस्क हर दिस क्वेश्चन. बट येस, मेरी फैमिली में और कोई भी इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता था. उसके अंदर भी वो चीज़ें, वो टैलेंट तो रहा ही होगा, उसका हार्ड वर्क है. बट बिकॉज आई केम टू दिस फील्ड, वो रास्ते ओपन हो गए, तो मेरे ख्याल से वो इसलिए आ गई. आई वॉज डूइंग माई लास्ट मूवी आई डिड वॉज जनता गैरेज. वो जनवरी में रिलीज हुई और आई वॉज गेटिंग मोर ऑफर्स, आई वॉज वेटिंग फॉर अ गुड ऑफर. बट यू नो देन मीन वाइल आई गॉट दिस, ये है मोहब्बतें का, कि दे आर लुकिंग फॉर अ लीड, अनदर लीड फॉर दिस शो. एंड वेन आई हर्ड द कैरेक्टर इट वॉज रियली गुड, सो आई थॉट यू नो इट्स टाइम टू गेट इन टू टीवी इंडस्ट्री, हिंदी टीवी इंडस्ट्री में. बिकॉज मैं साउथ की फिल्में करती हूँ, आई एम नॉट दैट फेमस इन हिंदी नॉर्थ एरिया. एंड बींग नॉर्थ इंडियन, आई रियली वॉन्टेड टू गेट फेमस इन जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जो मेरी मदर टंग है. आई वॉन्टेड टू यू नो गेट फेमस इन दैट एरिया टू. सो आई डिसाइडेड कि ओके, दिस इज द हाई टाइम, आई मस्ट गेट इन टू टीवी इंडस्ट्री. आई डोंट मेक गोल्स एज सच, आई एम अ पर्सन हु गोज विद द फ्लो. As things comes in front of me, as projects comes in front of me, I pick them. अगर मुझे पसंद आता है तो. If you ask me मेरा dream character क्या है, so I want to tell you that I really want to play some historic character. मुझे ऐसा लगता है कभी मुझे ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा role मिले जहाँ मैं बहुत ही you know historical, बहुत ही grand historical character play कर रही हूँ. See, it feels really really great and you know. रात में जब हम घर जाते हैं, व्हेन आई क्लोज माय आईज, आई एम सो कंटेंटेड, आई एम सो सेटिस्फाइड कि आई एम डूइंग व्हाट आई लव, आई एम डूइंग व्हाट आई एम पैशनेट अबाउट. दिस इज इट फॉर फैंस. आई वुड लाइक टू टेल देम दैट हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस एंड आस्क मी, आई नो दिस. सो देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस. वर्क हार्ड, सक्सेस विल कम.